इसके बाद में आप लोगों के सामने आप लोगों वैज्ञानिकों के नाम बारे में बता रहा था ना, इसके बाद में डायन के बारे में क्या करूंगा विश्लेषण करूंगा। डायन कौन थी? देखिए माप तौल की कितनी इकाई आती है, वेटिंग करने की कितना वजन है, कितनी इकाई आई थी माप तौल की? टोटल 4 इकाई आई थी। कितनी इकाई आई थी? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिटी एनर्जी वेट। समझ में कितने टाइप्स आई थी? 4। अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो तुम्हें मजा आएगा। पहला क्या था तुम्हारा? एम के एस। दूसरा तुम्हारा क्या था? सी जी एस। तीसरा क्या था? एफ पी एस। चौथा क्या था तुम्हारा? एस आई। जिसको तुम पूरी तरीके से रिपीट कर सकते हो, ठीक। अब एम के एस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग फुल फॉर्म पढ़े हो ना, तो एम के एस का तुम्हारा मतलब होता है क्या? मीटर किलोग्राम सेकंड। बहुत बार समझाया हूँ, जो लोग नए आए हैं थोड़ा सा उनको बता दूं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में दूंगा, लेकिन इंग्लिश में ना रहना छोड़ दो। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीग्राम सेकंड। या पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल ऑफ इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ठीक है। यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं डाइन की बात कर रहा था, ये जो सीजीएस होता है सेंटीग्राम सेकंड के बारे में पूरी तरीके से लेक्चर कौन वैज्ञानिक दिया था? डाइन। न्यूटन का डाइन का आपस में मिलना एक है, लेकिन कैलकुलेशन अनेक है। समझ सकते हैं आप? न्यूटन और डाइन का मिलना आपस में क्या है? एक है, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग। समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं आप? पूरी टॉपिक से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो टाइम को समझिए, टाइम को समझिए। क्वेश्चन कहते हैं मैंने दो वैज्ञानिक के नाम के बारे में बताया हूँ, पहला न्यूटन, दूसरा डाइन। तीसरा आता है गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो जी ने किया था। दूरबीन टेलीस्कोप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। अब टेलीस्कोप का यूजेस कहां पे होता है? एक होता तुम्हारा सूक्ष्मदर्शी, होता ना, एक होता तुम्हारा दूरदर्शी। अब दूरबीन बहुत अंतर है, ठीक है। अब इसके बाद एक तुम्हारा आता है माइक्रोस्कोप, एक तुम्हारा क्या आता है? माइक्रोस्कोप। सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो बोल, ये तुम्हारा है माइक्रोस्कोप, माइक्रो हाँ। अब एक तुम्हारा होता है टेलीस्कोप। थर्ड जो तुम्हारा क्या आता है? टोटल। ये तुम्हारा दूरबीन जो होता है ना, उसको देखने में दूरबीन मतलब दूर की चीजों को नजदीक दिखाई देता है। यानी अगर कोई फिगर अगर आपका 3D है, उसे 2D और 3D में चेंज करने का पावर है उसके पास। अब आप लोग पूछोगे 2D 3D ये सब क्या है? किसके बाद देखो 3D ए हो गया, 2D ए हो गया, 1D ए हो गया। समझ सकते हो? जैसे मैंने लिखा राम, सीधा सीधा है ना, सीधा अच्छा नहीं। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ राम, फिर भी आपको क्या है? सीधा है। यानी हमारे आंख से जो चीज दिखाई देने वाली ऑब्जेक्शन सिंगल दिखाई दे तो आपका क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। अगर आपकी आंख से जो फिगर डबल दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? डबल, तो तुम्हारा क्या होता है? 2D। बस 2D क्या रहेगा आपका? अब इसमें तुम्हारा क्या है टोटल? अब इसमें क्या है तुम्हारा? 2D है, ठीक है। तो अगर आप अगर इसमें देख सकते हैं तो आपकी टोटल जो वैल्यूएशन 2D का मतलब होता है उसी फिगर का डबल फाउंडेशन, उसी फिगर का क्या होता है? डबल दिखेगा आपके आंख से। कैसा दिखेगा डबल? जैसे राम से दिया था ना, आपकी टोटल वैल्यू राम देगा, क्या देगा? डबल दिखेगा। तो आपका क्या होगा? 2D। अगर वह जो फिगर जो 3D में अगर जाएगा तो एकदम डायरेक्ट तिरछा हो जाएगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे आपके कई गली मोहल्ले चौराहे पे जो फिगर आपका होता है कैसा होता है? तिरछा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, होता ही नहीं होता ऐसा। इसके बाद आपकी बात कौन सी आती है कि आप लोग माइक्रोस्कोप पर कैसे इसको इफेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इफेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, यह बैक्टीरिया वायरस
एंड अदर एक्टिविटी में किया जाता है, यूज किया जाता है। कोरोना वायरस फैला, चाइना में फैला नहीं फैला, बनारस में इन्फ्लुएंजा फैला नहीं फैला, फैला। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हो कि आपकी जो ये मेन टॉपिक है आपका माइक्रोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करता है पैथोलॉजी में। किसी का तबियत तबियत खराब है, खून चेक कराना है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी चेक का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, इसको लॉजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल। तो भैया पैथोलॉजी पे जाओ, अपना चेक कराओ माइक्रोस्कोप से, तो तुम्हारा क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है एंड अनदर। समझ में आ गया? तो अगर आपकी अंदर की इंटीरियर, आपके आंख से जो चीज अगर ना दिखे, वो चीज जो दिखा दे क्या होता है आपका माइक्रोस्कोप। और जो अपने आंख से किसी की दूरी ना दिखे, उस दूरी को नजदीक बना दे, वो कौन? टेलीस्कोप। समझ आ गया? क्लियर है आपसे पूरी तरीके से? अगर कोई भी आपसे साइंस का स्टूडेंट या सपोज कोई भी अदर पर्सन अगर आपको टॉकिंग करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, तो मैं सिंपल से बता देना, जो हमारी नग्न आंखों से, नग्न आंख से मतलब होता है कि हमारी जो आंख में कुछ ना लगा हो, ओनली वन क्लियर आईज से, अगर जो चीज मैं अगर नहीं देख पाता हूँ वो चीज दिखा दे, तो क्या होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सामने अपने हाथ को देखोगे ना, बहुत सारे कीड़े मकोड़े से नाचते रहेंगे, वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर इन्फ्लुएंजा। जिसकी आंख से अगर हम लोग अपने नग्न आंखों से जिसका डिस्टेंस कवर न कर पाए, उसको डिस्टेंस कवर करा दे, तो क्या होता है? तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके करेंगे। नियंत्रित करके मान लीजिए।